इफ यू टेक इट लाइटली इट्स गॉन एंड लेट मी टेल यू हुज़ैफा इट इज गॉन यू हैव लॉस्ट बैडली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ये सारे के सारों के अंदर वो सीरियसनेस और वो नहीं होती तो ये जंगे बदर कैसे जीतते? क्या जंगे बदर में किसी एक सहाबी ने कहा कि भाई आई हैव इश्यूज इन गोइंग टू द बैटल एक्सेप्ट फॉर द मुनाफिकीन बिकॉज इट वाज अ वेरी हार्ड नेक सिचुएशन ओवर देयर? नो, सिस्टम के सर्वाइवल के लिए जाने दिए उन्होंने, आखिरी सहाबी ने भी जाने दिए, इसलिए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रदू अन्हु हम कहते हैं उनको कि दे हैव ऑल गिवन व्हाट वाज नेसेसरी फॉर द गेम फॉर द स्ट्रगल फॉर द एक्चुअलाइजेशन। तो ये कहना कि भाई जी सारे ऐसी बात नहीं, आप उसमें तफावत तो होगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान के बराबर तो सारे नहीं आ सकते, लेकिन ये कंसर्न आप सल्लम की मेहनत ही 23 साल की ये थी एक लीडर की, उनमें वो कंसर्न डालना कि अगर तुमने रिलैक्स किया ना तो गया निकल जाएगा, खा जाएंगे वो तुम्हें। इफ यू टेक इट लाइटली इट्स गॉन एंड लेट मी टेल यू हुज़ैफा इट इज गॉन यू हैव लॉस्ट बैडली। 54 इस्लामिक कंट्रीज हैव लॉस्ट इट बैडली, आप हार चुके हैं, आप अपनी फील्ड्स में अपना किला नहीं बनवा चुके। अगर आपके यहां कोई इंडिविजुअल एक्सपर्ट आया भी है, कौम सुन ले शेख आतिफ को, तो वो किसी उनके बड़े सिस्टम का पार्ट बन के सर्व कर रहा है। कोई अपना मैक्रो नहीं है आपका, एमेजोन उनका मैक्रो है, ईबे उनका मैक्रो है, अलीबाबा उनका मैक्रो है, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर भी जितना बड़ा उरूज आया हुआ है, यू हैवंट बीन एबल टू प्रोवाइड अ मार्केट वेयर दे आर कमिंग एंड दे आर प्लेइंग अराउंड इवन इफ यू हैव देयर वेरी माइक्रो मार्केट्स। नासा इज देयर सिस्टम्स, स्पेसएक्स इज देयर सिस्टम, टोयोटा इज देयर सिस्टम, Honda is their macros, Volkswagen is their macros, Panasonic is their macros. What's your macros? आपकी ऐसी कौन सी कुलियात है जिसकी उनके अंदर उनकी जुजियात पार्टिसिपेट करती हो? और एक जमाना था कि हमारी बनाई हुई कुलियात और मैक्रोज और जेनेरिक्स के ऊपर उनकी स्पेसिफिकेशन आके दिमाग लगाते थे और उनके लोग थे जो हमारे यहां जानिसार बनते थे, द टॉप 100, द टॉप नॉच वॉरियर्स फ्रॉम द क्रिश्चियन फैमिलीज दैट यूज्ड टू बी विद द मुस्लिम पीपल। So what are you talking about? अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक्सपर्ट आया भी है तो उनका सिस्टम इतना बड़ा, वो कहते हैं आप आके हमारे पास काम कर लें। So whatever the talent you are harnessing is being cashed by them. कहाँ इंटेग्रिटी है आपकी? यहाँ पे तो लोग हमें कह देते हैं शेख अल्लाह ने अगर थोड़ा सा टैलेंट दिया बाहर चले जाएं। आपने अपने मुल्क के, अपनी कौम के, अपनी उम्मत के मैक्रोस पे कहाँ काम किया है? मैक्रो स्ट्रक्चर बनाने में क्या मेहनत की है आपने? जो आता है उनके वो इतने उन्होंने लगाया ना वक्त, मेहनत की है ना सर, उन्होंने बनाया ना उन्होंने। गन पाउडर आपने तो नहीं बनाया? हमने सर, आपने माशाल्लाह JF-16 बनाया, यू हैव मेड योर जेट्स एंड यू हैव अ नेम एंड द क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द इंजीनियर्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। हमारे जो जेट्स हैं वो बाहर जाए जा रहे हैं एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो हमारी कुछ वेपन्स हैं जिसके अंदर हमारा बड़ा नाम है, और भी चीज हमारे टेक्सटाइल में बड़ा नाम है, हमारे बाग टावर्स में बड़ा नाम है, हमारे टेक्सटाइल्स के अंदर बड़ा नाम है, मगर वो भी जो मैक्रोज हैं वो भी मुल्की हालात की वजह से कहीं बांग्लादेश चली जाती है, कभी चाइना चली जाए, चाइना अलग अलग खड़ा हुआ है ऊपर। पॉइंट ये सर, कौम को वो कंसर्न कैसे डालेंगे बेटा? हमने बाहर निकलना है, हमने अपनी हुकूमतों के साथ चलना है, हमारा एक कंबाइंड जेनेरिक विजन है। यहाँ तो हर किसी को मिलता है, उसके बाद क्या था? मैं बाहर चला जाऊं, मैं कनाडा सेटल हो जाऊं, ठीक है, वहां भी जाके आपने एक, आप कनाडा भी जाएं तो आप मैक्रो तो हमारा इस्तेमाल करें ना। यहाँ से जाता है कैनेडियन मैक्रो का हो जाता है, और उनके सिस्टम हैं भी ऐसे, कितने लोग कहते हैं सारा कुछ तो, सबसे बड़ी क्या ब्रांडिंग आती है, सारा कुछ तो इस्लाम से लिया उन्होंने, तो सर हमें समझ ही नहीं आता कि आप में कौन सा इस्लामिक और उनका कौन सा इस्लामिक, वो इस तरह खेल रहे हैं आपके साथ। तो आपके थिंक टैंक्स उनकी सोच किया भाई जान, हम तो कौम को रिवाइव कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, सिस्टम तो हमारे हाथ में नहीं है ना, तो ये तो सिस्टम बनाने वालों को सोचना चाहिए था ना कि कौम को एंगेज करने के लिए रख सकते हैं। हाँ, अगर सिस्टम बनाने वाले कहते हैं हाँ भाई ये रुले रहे हैं, पड़े रहे हैं, ड्रामों के अंदर लगे रहे हैं, आपके ड्रामों का कंटेंट चेक कर ले माशाल्लाह से, नेशन बिल्डिंग कॉन्टेंट है। पॉइंट यहाँ पर ये है ना भाई जान, तो ये सोचना होता है कौम के प्राइवेट हैंड्स में और पब्लिक हैंड्स में, दोनों साइडों के ऊपर को वो है नहीं है, तो बच्चे तो रुल जाएंगे फिर इस तरीके से,
और फिर अगर ये कहीं प्राइवेट एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन पे आता है तो वो भी देख लें क्या हाल है, क्या विजन देके क्या लैब्स देंगे आप उनको। तो इसलिए तो अब आप ये तो पॉइंट यहाँ पर ये आएगा इसके ऊपर कि जो तुम्हारा सवाल था जस्ट लॉस्ट द की ओवर देयर, चले नो प्रॉब्लम वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर, कि ये एक बड़ी सोच होती है जिसके साथ। मेरा सवाल ये था कि एवरेज सब एवरेज ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर सारे ही कॉम्पिटेंट हो जाएंगे तो सोचिए फिर पाकिस्तान से क्या क्वालिटी क्रिएट हो रही होगी जब सारे एक्सपर्ट्स पैदा हो रहा है पूरा मुल्क ही जो है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे चौधरी हो जाएंगे, ये भी तरबियत का हिस्सा होगा, सिस्टम की सिंक्रोनाइज़ेशन, ये तरबियत का हिस्सा होगा ना कि अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया कि इवन इफ आई एम कॉम्पिटेंट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बना दे, दैट्स द कॉम्पिटेंसी।